ग्वालियर जिवाजी विश्वविद्यालय में NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली है। आपको बता दें कि दिमाग बढ़ने पर आसपास के 6 थाना क्षेत्रों के फुल स्कोर मौके पर भेजा गया और पुलिस के बीच बचाव के बाद हंगामे को शांत कराया गया। दोनों ही छात्र संगठन एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है। कुलपति ने दोनों ही छात्र संगठनों से मिलने के बाद घटना की जांच के आदेश दिए हैं। कुछ दिनों पहले AVP का पोस्टर का अनावरण कर किया हमारे माननीय कुलपति जी ने, उसको लेकर हम आज विश्वविद्यालय में कुलपति जी को ज्ञापन देने गए। जैसे हम ज्ञापन देने जा रहे थे तो AVP के कार्यकर्ताओं ने जो मेन एडमिशन डिपार्टमेंट का मेन डोर था वो बंद कर दिया। AVP के कार्यकर्ता उस गेट को रोक के खड़े थे, हमें अंदर नहीं जाने दिया। उनकी तरफ से कुछ महिला लड़की जो लड़कियाँ कार्यकर्ता थी वो बार बार नारेबाजी कर रही थी। नारेबाजी दोनों तरफ से हो रही थी लेकिन वो बार बार यही कह रही थी तो हमसे बदतमीजी कर रहे हो, हमसे बदतमीजी कर रहे हो। उसके बाद उन लोगों ने लड़कियों के बदतमीजी के नाम पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। AVP का और कुलपति महोदय का साधुवाद करने कि जो भी विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजन किया जा रहा है विश्वविद्यालय में, इस प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र छात्राओं को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ सीख पा रहे हैं वो, इसलिए ये लोग साधुवाद करने आए थे। लेकिन यहाँ पे NSUI के गुंडे, क्योंकि छात्र नहीं है ये लोग, गुंडे हैं, कोई भी इन लोगों में से विद्यार्थी नहीं है, है ना, तो ये लोग आके हमारी छात्राओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, हाथ पैर पकड़ रहे थे उनके, उनको गाली गलौज कर रहे थे, उनको मारपीट कर रहे थे। NSUI छात्र संगठन और AVP दोनों संगठन आए हुए थे अपने अपने मांगों को लेकर ज्ञापन के लिए। तो NSUI का कोई बैनर था उसको लेके AVP को आपत्ति थी, तो वो बैनर को छीनने के लिए दोनों पक्षों के बीच में छीने चपटी हुई है।